अनबिलीवेबल। डॉक्टर साहब सुनिए ना। चुप रहिए आप। क्या जरूरत थी आपको हीरो बनने की? ये तरीके होते हैं आपके गांव वालों के? गुस्सा आया और कबड्डी का मैच एक्सेप्ट कर लिया आप लोगों ने। डॉक्टर साहब सुनिए। क्या है? गुस्सा मत होइए ना, जो हुआ वो सही हुआ है। देखिए बाबू, तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो जाओ जाकर गरीबों में बांट दो, पैसा हवा में उड़ा दो, जो करना है करो। लेकिन यहाँ अपने पैसे का दोष ना जमाओ बाबू। मैं जो कर रहा था, रानी की मदद कर रहा था। मदद कर? अरे बिना सर पैर की बात कर रहे थे तुम। जब जमीन हमारा है, कागज हमारा है, ईरानी एडवांस जमा किए, अब कोई भी आकर के ऊपर कब्जा कर ले तो क्या सबको पैसा बांटते रहे हम? बिच्छू तमीज से बात करो बूझे। डॉक्टर साहब जो कर रहे थे वो हमारे लिए कर रहे थे। अच्छा, और उसका नतीजा कहाँ निकला? वो बड़े भैया कोई छोटे आदमी ना है रानी, और ये उनको खरीदने निकले थे। तू तो मेरे को ऐसा बोल रही जैसे हम उनके दिमाग में कबड्डी मैच का आइडिया डाले हैं। अरे वो गुस्से में थे तब जाकर के ये बात बाहर निकली है। और ये चैलेंज वैलेंज ना सब तेरे डॉक्टर की। लिसन यू, मेरी बात ध्यान से समझे, ये असल जिंदगी है, मजाक नहीं है। ये पॉइंट ये था कि जमीन हमें वापस मिले सही तरीके से, बिना कोई लड़ाई, बिना कोई झगड़े, बिना कोई तमाशे के। मेरे तरीके से वही होने वाला था, हम जीत रहे थे, लेकिन आपकी बेवकूफी की वजह से अब ये सारा ड्रामा होगा। अब हमें उन लोगों को हराना पड़ेगा जो दिन रात कबड्डी की प्रैक्टिस करते हैं। आप हराएंगे उन्हें, आसान लगता है आपको? आप दुबई में गाड़ी चला रहे थे, मैं एक डॉक्टर हूं, और रानी का बात सही है डॉक्टर साहब, लेकिन अब हम शरीर से कमजोर हो सकते हैं पर हम कायर ना है, इरादों से बहुत ही मजबूत है हम। अब किसी चीज को पाने की इच्छा अगर सच्ची हो, वजह अगर सच्ची हो ना, और इरादे अगर पक्के हो तो जीत जरूर उनकी होती है। नो, ऐसा करने से आप अपने सपनों से हाथ धो बैठेंगे हमेशा के लिए, इसका अंदाजा है आपको? हमारे होते से कभी ना होगा। वो जमीन रानी की है, और जब तक हम हैं, रानी से वो जमीन कोई नहीं छीन सकता। फाइन, अगर आप लोगों को ये बचकानी हरकत करनी है तो कीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं बनना इस कबड्डी वबड्डी का हिस्सा। लो भैया, गई भैंस पानी में। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, और ये तो पहली लड़ाई में डर गए। कहा रे रानी, ये मर्द है कि बिच्छू? आखिरी चेतावनी दे रहे और बदतमीजी ना ही सहेंगे हम। ये हमारा और डॉक्टर साहब के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। तो फिर तू ही संभाल ले। हाँ, अरे शहरी बाबू है, दो ही चार बार टीवी पर कबड्डी का मैच देखे होंगे, पर सच में खेलना तो इनके बस की बात ना। समझदारी का फैसला लिया हो डॉक्टर? चल रानी, हम चलते हैं, कबड्डी का टीम बनाना है। शायद आपको मेरे फैसले से बुरा लगा है डॉक्टर साहब। अब हम दिखते छोटे से कोमल से है, लेकिन अंदर से पक्के दिल के। ये जमीन हमारी है, गांव हमारा है, ये कबड्डी का खेल भी हमारा ही है। सही मायने से देखा जाए तो ये सारी परेशानियां भी हमारी ही है। ये सबके बीच में आप काहे पड़ेंगे, है ना?
बाकी लोगों को लगता है कि उनको लगता है कि हम पति पत्नी है तो उनका हम समझ सकते हैं, लेकिन जो सच है वो तो हम दोनों जानते हैं। आपका और हमारा रिश्ता तो सिर्फ नाम का है। अब एक दिन अब गुमनामी में खो जाएगा तो आप काहे चिंता कर रहे हैं? ठीक कह रही हैं आप। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। प्रॉब्लम क्या है जय? जब कोई बार बार फोन काट रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि उसे आपसे बात नहीं करनी है। आई डेयर यू जय, अगर अब फोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा। आपका गुस्सा, आपकी नफरत सब जायजा नंदिनी। पर हमने आपको फोन से सॉरी बोलने के लिए किया था। बेवकूफ है हम, गधे हैं। मतलब किस्मत ने हमारे दरवाजे पर आकर नॉक किया और कहा ये लो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आपकी बीवी बनेगी, और हमने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब माफी मांगे तो किस मुंह से मांगे? पर नंदिनी, अगर हमने माफी नहीं मांगी ना तो हम सीरियसली मर जाएंगे। कभी कभी तो हमें सांस ही नहीं आती है, इतना गिल्ट फील होता है। जय, मुझे ना आपकी माफी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपकी शक्ल देखने। अगली बार आपने फोन किया ना तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। कबड्डी खेलेंगे ये लोग अब। ये गांव के लोग भी ना, इनका खून ही गरम है। जहां मौका मिले वहां भिड़ जाओ। क्या जरूरत थी रानी को इन सब चीजों में घुसने की? आई मीन सीरियसली, कबड्डी, कम ऑन। हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि इस सपना है जिसे हम किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेंगे, खुद के दम पर। जमीन हमारी है, गांव हमारा है, ये सारी परेशानियां भी हमारी ही हैं। तो ये सब के बीच में आप काहे पड़ेंगे? आपका और हमारा रिश्ता तो सिर्फ नाम का है, एक दिन गुमनामी में खो जाएगा। कहीं रानी ये तो नहीं चाहती कि मैं उनके साथ इस कबड्डी में हिस्सा लूं? लगता है यहीं पे रहने का मन बना लिया है तुमने वीर। नहीं रानी साहब, मैं आपके खिलाफ कभी बस कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद करो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हो? तुम भूल गए हो कि हम तुम्हारी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं। हमने तुम्हारे ऊपर इतने एहसान किए, उससे चुकाने के बदले तुम इसे मिटाना चाहते हो। लेकिन वीर, अगर चाहने से चीजें हासिल हो जाती ना तो ये सारे नौकर मालिक बन जाते। गलत उम्मीद लगाए बैठे थे हम, तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे थे हम, क्योंकि तुम गांव में रहना चाहते हो। रानी सा से बड़ी रानी हो गई है तुम्हारे लिए, है ना? नहीं रानी सा, नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है अनीसा। आपको खुश रखना मेरी जिंदगी का सबसे अनीसा यहां नहीं है, मगर मैं जानता हूं, मैं जानता हूं उनके मन में यही सब चल रहा होगा। मैं अनीसा को और निराश नहीं कर सकता, उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी जरूरत भी नहीं है यहां पे। मुझे वापस जाना होगा, मेरी जगह वहां है अनीसा के पास। रानी को सच बता के मुझे वापस जाना होगा अभी के अभी। रानी भी तो इतनी मुसीबत में, उन्हें इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकता हूं। कबड्डी का मैच, जमीन की टेंशन, इन सब के बीच में अगर सच बताऊंगा तो और टूट जाएंगी वो। इतनी बड़ी चुनौती जीतने से पहले अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं उन्हें यहां छोड़कर जाने वाला हूं तो कैसे जीतेंगी वो। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या करूं। जानते मैडम, तभी तो लाए। तुम लोग जय के दोस्त हो ना? हाँ, क्योंकि इतनी घटिया और चीप हरकत वही कर सकता है। नहीं मैडम, हमें तो उसके भाई अमर सिंह से मतलब है। अमर सिंह? हाँ वही, जुआरी नंबर वन, अपनी आधी जायदाद तो लुटा के बैठा है। और उसका भाई जय घर वालों से तो पैसा मांग नहीं सकता, क्योंकि अगर बात वहां तक पहुंची तो घराने की बदनामी होगी। और बड़े भाई पर से विश्वास भी उड़ जाएगा, और हो सकता है कि उसे बेदखल भी कर दे। अपने भाई के बुरे कर्मों को ठीक करने की कोशिश में वो खुद जुआ खेलता है और पैसे चुका रहा है। पर तुम लोगों की महाभारत की वजह से उस दिन वो खेल अधूरा रह गया था, और नुकसान किसका हुआ? हमारा। और हमारे धंधे में ना नुकसान की कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब तुम लोग मुझे दाव पर तो तुम लगी थी ना, तो उठा लाए। तो केवल दो दिन के लिए जा रहे हैं ना? आप देखना, यहीं से इंजीनियर बनकर निकलेंगे हम। अब तो हम बस यू गए और यू आए।
पहले लेटर रानी के लिए लग के निकल जाऊंगा। लेकिन उससे पहले उनकी जमीन उन्हें वापस लानी होगी। इस कबड्डी मैच का हिस्सा बनकर नहीं, मुझे कुछ ठोस करना होगा। आज तक भी जो मैंने आपके लिए किया है और जो मैं करने जा रहा हूं, आपको जो छोड़ के जा रहा हूं, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो जुआन जय ने खेला है ना, तो उसे हमारा क्या लेना। ये सच है कि जैकी और हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। ए, चुप कर वरना। हमारे भाई की गलती की सजा किसी मासूम को नहीं मिलेगी, खास करके एक औरत को तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आज के बाद नंदिनी पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो पैसे गिनने के लायक नहीं रहोगे। अब तक अपने भाई की वजह से चुप थे, पर अगर नंदिनी पर कोई आंच भी आई ना, तो तुम सबका परिवार तुम्हारी तस्वीरों पर माला चढ़ा रहा होगा। सब किसने किया? अरे दामाद जी, अच्छे से सोए ना जी। अरे झुक झुक जी, हमेशा खुश रहिए। बाकी सब दिखाई नहीं दे रहे। दामाद जी का है ना, कबड्डी का मैच है, इसलिए सब लोग निकल गए। कौनो चीज की कमी तो नहीं है ना? रानी बिटिया कह के गई रही आपके लिए ही नाश्ता, इसमें काली चाय, ये सब करके गई है। आप अच्छे से कर लीजिएगा। वो कहा है ना, हम कबड्डी का मैच देखे जा रहे हैं और ये मैच बहुत जरूरी है हमारे परिवार के लिए, जल्दी आ जाए जी। मतलब ये सब मेरे लिए रानी रखे गई है। कहीं रानी लेटर है, रानी ने लेटर देखा ही नहीं है। ये लेटर रानी वापस आने के बाद पढ़े तो ही अच्छा है। तब तक मैं यहां से जा चुका हूंगा। तक तो डॉक्टर साहब उठ गए होंगे। डॉक्टर, जो सामने है वही सत्य है रानी, बाकी सब माया है। अब बाकी सब आ गए? आ रहे, तो अपने टीम की तैयारी पर ध्यान दे।
लॉन्ग टाइम नो सी। वीर आप लोग? अरे हाँ, फाइनली मैं तुम्हारे यहाँ पहुंच ही गई। क्या करनी हो कि यार, आप गाँव है, ये जयपुर का कोई क्लब नहीं है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, दूरी रखो, दूरी रखो। अरे आपको सब बताएंगे ब्रो, आप ये बताओ भाभी सा कहाँ है? और आप इतने तैयार चार होके कहाँ जा रहे हो? ये उन्हीं का घर है क्या? ओ वाह, क्या क्यूट और प्यारा सा घर है, नहीं क्या रहा? प्लीज, सर्वेंट क्वार्टर्स वाली फील आ रही है इसमें से। ए यार, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। एनीवे ब्रो, बताओ ना भाभी सा कहाँ पर है, अंदर है क्या, मैं मिल के आऊं? वो मैच के लिए गई है। मैच? अरे उनके मैच तो आप हो, कौन सा मैच? कबड्डी मैच विक्रम। कबड्डी मैच? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो तुमसे मिलाई थी, आई मीन वो एनजीओ का काम था ना, तो सोचा तुमसे भी मिल लूंगी। मैं तो यहाँ पे सिर्फ सूरती देवी से मिलने आया। ऑल्सो बाय द वे, अगर भाभी साहब वहाँ कबड्डी मैच में, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली जयपुर के लिए निकल रहा था। व्हाट? जयपुर के लिए अकेले? तो फिर भाभी साहब? वो साथ नहीं चल रही विक्रम, मैं अकेले जा रहा हूँ।